एक भाषा जिसका आधार है हजारों साल पुरानी संस्कृति, जिसने संजोई है इतिहास की महान गाथाएं, जिसकी विरासत है आधुनिक विज्ञान के सूत्र। एक भाषा जिसने जोड़ा है देशों और महाद्वीपों को, जिसने बांधे हैं महासागरों के आर पार पुल, जिसने दी है करोड़ों लोगों को जुबान। मैं मानता हूं कि जैसे ब्रिटेन का राज्य कहा करता था कि ब्रिटेन के साम्राज्य पर कभी सूर्यास्त नहीं होता, उसी तरह हिंदी के प्रचलन पर अभी भी सूर्यास्त नहीं होता। हिंदी के सूर्य की चमक लगातार तेज हो रही है। 8वें विश्व हिंदी सम्मेलन के जरिए हिंदी एक बार फिर उस दरवाजे पर अपने अधिकार की दस्तक दे रही है जो खुलता है दुनिया के सबसे बड़े मंच पर। दुनिया के 192 देशों का परिवार संयुक्त राष्ट्र, जिसकी बुनियाद 62 साल पहले रखी गई। जंग के जख्मों ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया, ये था अमन की अहमियत का सबक। इसी अमन को कायम रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ। मकसद था आपसी मतभेदों को जंग के बजाय बातचीत के जरिए सुलझाना, लेकिन सवाल ये था कि बातचीत किस जुबान में हो। शुरुआत हुई 4 भाषाओं से। पहली अंग्रेजी, यानी वो भाषा जिसे दुनिया भर में संपर्क की भाषा माना गया। दूसरी फ्रांसीसी, जो उस वक्त कूटनीति की भाषा थी। इसके बाद थी रूसी और चीनी। 1973 में हिंदी भाषियों के मन में सवाल उठा कि हिंदी क्यों नहीं। इसी मुद्दे को लेकर 1975 में नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सबका सपना था कि एक दिन संयुक्त राष्ट्र दुनिया से हिंदी में भी संवाद करे। हिंदी भाषा का आकर्षण पूरी दुनिया में है। स्कैंडिनेविया से लेकर कैरिबियन तक और चीन से लेकर अमेरिका तक दर्जनों पत्र पत्रिकाएं अपनी बात अपनी हिंदी में कह रही हैं। कम से कम 9 विदेशी भाषाओं में हिंदी शब्दकोश मौजूद हैं। दर्जनों देशों में हिंदी साहित्य का अनुवाद किया जा रहा है। मॉरिशस में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सचिवालय की कोशिशें भी रंग ला रही हैं। दुनिया भर के 165 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। अगर यही सारे देश कहीं किसी जगह में बैठ करके किसी विश्व समस्या पर विचार करते हैं तो कम से कम एक दूसरे को परिचित तो हैं। ये उसका सबसे बड़ा योगदान है। और धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि अगर उसका सचिवालय जिस तरीके से काम कर रहा है मॉरिशस में, अगर बढ़ने लगा तो अब इंटरनेट के ज़रिए वो और ज़्यादा जुड़ेंगे, जानकारियाँ और ज़्यादा जुड़ेंगी, लोग एक दूसरे से ज़्यादा परिचित होंगे। और ये परिचय मंडल ही यही वसुधा को कुटुंब बनाता है। वो खड़ी शायद अब दूर नहीं जब संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में एक नया नाम और जुड़ेगा, और ये नाम होगा हिंदी।